Hello students, in the previous lecture we have discussed that how to convert percentages into fractions and decimals. Now today we are going to discuss about use of percentages. Normally हम percentages का use कहाँ करते हैं, चलिए आइए हम देखते हैं इसको with the help of examples. तो फर्स्ट यू हैव टू नो कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मेनी. चलिए इसको हम एग्जांपल समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड 50% ऑफ 164. देखिए इन सब क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. नॉर्मली आपको पता है कोई भी चीज अगर पूरी है तो वो 100% है, ठीक है. 50% की बात कर रहा है मतलब वो उसके आधे की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो 164 का 50% मतलब आधा क्या होगा, 82. कैलकुलेशन की हेल्प से देखते हैं हम. ये तो मान लीजिए छोटा नंबर है, अगर बड़ा नंबर होता तो हम 50% तो इजिली निकाल ही सकते हैं, लेकिन कोई और परसेंट निकालना होता जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. तो इस कैलकुलेशन को लेकर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं. 50% तो सबसे पहले हम लिखेंगे 50% का मतलब अपॉन 100, ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 164. ये 164 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम रिड्यूस करते हैं इसको. 51 जा 50 52 जा 100, तो क्या आया 164 अपॉन 2. फिर से रिड्यूस होगा, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4, क्या आया 82, और यही आपने पहले बताया था. सेकंड वन देखते हैं इस तरह से 75% की बात करता है, ठीक है. तो डायरेक्ट आप बता सकते हो क्या 75% इसका क्या होगा. देखिए 100% पूरा होता है मतलब 12 जो है वो 100% है, ठीक है. इसका हमको 75% बताना है. अब आप सोच के देखिए कि इसका 50% 6 होगा, 25% क्या होगा 3, तो 75% का मतलब क्या 50 प्लस 25, यानी 6 प्लस 3 9, यही होना चाहिए आंसर. चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं. 75% का साइन हटेगा तो आएगा अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 12. रिड्यूस करते हैं इसको, 25 3 जा 75 25 4 जा 100, 4 से 12 को रिड्यूस करते हैं, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो क्या आया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, न्यूमिनेटर में बचा क्या 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब क्या हो जाएगा ये 9, और 9 ही आपने आंसर निकाला था. नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है 12 at 1 upon 2% ऑफ 64. तो 12 at 1 upon 2 को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट में. 12 2 जा 24 125 upon 2% ऑफ 64, ये हो जाएगा 25 upon 2% का साइन, तो मतलब मल्टीप्लाई 100 डिनोमिनेटर में होगा. परसेंट का साइन हटता है तो अपॉन 100 आता है, अपॉन 100 का मतलब ये डिनोमिनेटर के साथ 100 जाएगा. उसके बाद ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई फिर से 64, ये 64 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. 25 1 जा 25, रिड्यूस कर रहे हैं इसको हम लोग, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 6 जा 24, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, मतलब यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये न्यूमरेटर में 8 ही बचा है, ये हो जाएगा 8. आंसर इसका क्या आया 8. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोड दैट 25 लाइक प्लेइंग फुटबॉल. हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल. टोटल चिल्ड्रन 40 हैं, जिसमें से 25% फुटबॉल पसंद करते हैं. आपको नंबर बताना है कि कितने चिल्ड्रन फुटबॉल पसंद करते हैं. सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने दिए गए हैं 40, ठीक. परसेंट ऑफ चिल्ड्रन लाइक फुटबॉल कितने परसेंट पसंद करते हैं 25%. आपको नंबर बताना है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक्ड फुटबॉल
जिस तरह से अभी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा था उसी तरह से आप इसको लिखेंगे। टोटल का 25% जो है उतने फुटबॉल लाइक करते हैं, तो हम लिखेंगे 25% ऑफ टोटल कितनी स्ट्रेंथ है 40। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 25 अपॉन परसेंट का साइन हटेगा 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40। अब रिड्यूस करते हैं, 25 1 25 25 4 100 4 1 4 4 10 40, तो कितना आया 10। तो कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं 10 चिल्ड्रन। यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस 10 चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा आपसे ये पूछता कितने चिल्ड्रन फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं, तो टोटल 40 थे, 10 चिल्ड्रन पसंद करते हैं, तो बचा कितना 40 माइनस 10 30। 30 चिल्ड्रन ऐसे होंगे जो पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है तो इसलिए इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 16% वोटेड, फाइंड द परसेंटेजेस ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। देखिए अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया, कितने चिल्ड्रन लाइक करते थे फुटबॉल प्ले करना वो मैंने कैलकुलेट किया, कितने नहीं लाइक करते हैं ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन आपको बता दिया है, वही कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा है, कैन यू फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोटेड, कितने लोगों ने वोट नहीं किया। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, टोटल वोटर्स कितने हैं 15,000, ठीक है 60% लोगों ने वोट किया, तो परसेंट ऑफ वोटेड 60% अगर लोगों ने वोट किया है तो अभी सोचिए अगर 50,000 टोटल थे सबने अगर वोट किया होता तो वो 100% वोट होता, ठीक है, लेकिन सबने वोट नहीं किया 60% लोगों ने वोट किया है, तो परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड वोट, आपको वो परसेंट निकालना है जितने लोगों ने वोट नहीं किया। अगर 60% लोगों ने वोट किया है तो कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया, टोटल 100% है, जिसमें से हम 60% माइनस कर देंगे, इट बिकम्स 40%। 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। अब आपसे ये पूछ रहा है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोटेड, कितने लोगों ने वोट नहीं किया है, क्या ये फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया, 40% लोगों ने, और टोटल कितना है 50,000, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 40% लोगों ने वोट नहीं किया है तो 40% ऑफ कितने में से, टोटल में से, टोटल कितना है 15,000, 15,000 का 40% लोग ऐसे हैं, 15,000 में 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 40% का मतलब अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15,000, तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमिनेटर में क्या बचा 40 मल्टीप्लाई 150, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 15 4 60, 10 ये 10 ये हो जाएगा 6,000। मीन 6,000 पीपल्स, 6,000 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, गायत्री इनकम इज ₹1,60,000 पर ईयर, गायत्री की जो इनकम है 1,60,000 पर ईयर है, सी पेज 15% ऑफ दिस एज हाउस रेंट, 10% ऑफ रिमाइंडर ऑन हर चाइल्ड्स एजुकेशन, फाइंड द मनी लेफ्ट विद हर। टोटल इनकम गायत्री की 1,60,000 है, जिसमें से 15% वो हाउस रेंट दे देती है। अब जो उसके पास पैसा बच रहा है उसका 10% वो अपने चाइल्ड के एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, अब उसके पास कितना मनी बचा, तो चलिए वन बाय वन करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। टोटल इनकम ऑफ गायत्री, टोटल इनकम कितनी है ₹1,60,000,
60,000, ठीक है। हाउस रेंट कितना पे कर रही है वो, 15%। किसका 15%? जो उसके पास है टोटल मनी उसी का। तो देखते हैं, यहां पर लिखेंगे हाउस रेंट पेड बाय गायत्री, क्या लिखेंगे, 15% ऑफ टोटल मनी कितना है, 1,60,000, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1,60,000, 1,60,000। रिड्यूस कर देते हैं इसको, 20 से 20 कैंसिल आउट, 15 का मल्टीप्लाई 1600 में कराना है तो 20 तो एज इट इज रहेगा, 15 6 99 आया, 15 1 15 15 + 9 24, यानी 24,000 रुपीज वो पे करती है किसमें, हाउस रेंट में। अब उसके पास जो पैसा बच रहा है तो रिमाइंडर मनी निकाल लेते हैं, रिमाइंडर मनी कितना पैसा बच रहा है, ये रुपीज है, रुपीज 1,60,000 में से उसने रुपीज 24,000 हाउस रेंट दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 30 ये आया, 10 में से 4 गया, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3, 1, रुपीज 1,36,000 इतना मनी अब उसके पास बचा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% वो अपनी चाइल्ड एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है बचे हुए का, तो यहां पर लिखेंगे इन्वेस्टेड इन चाइल्ड एजुकेशन, इन चाइल्ड एजुकेशन कितना इन्वेस्ट कर रही है, 10%। किसका, टोटल मनी का नहीं, जो बचा है पैसा उसका। तो कितना पैसा बचा है उसके पास, रुपीज 1,36,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,36,000, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10/100 मल्टीप्लाई 1,36,000, 20 और ये 20 रिड्यूस हो गए, इतना आ गया आपके पास, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, 1,36,000, इतना मनी जो है उसने क्या किया है, चाइल्ड एजुकेशन में खर्च किया है, 13,600 रुपीज, ठीक है। अब उसके पास कितना मनी बचा, तो अभी कितना बचा था, 1,36,000, आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, फाइंड द मनी लेफ्ट विद हर। अब उसके पास कितना मनी बचा है ये निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, नाउ मनी लेफ्ट विद हर, हर का मतलब गायत्री, कितना पैसा बचा है, देखिए 1,36,000 पहले बचा था जब उसने रूम रेंट दे दिया, अब उसमें से उसने 13,600 जो है चाइल्ड एजुकेशन में दे दिया, अब उसके पास कितना बचा है निकालने के लिए हम रुपीज 1,36,000 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 13,600, तो कितना आ जाएगा, रुपीज 20 यहाँ पर हो गया, ये 10 है, 10 में से 6 किया 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, ये है 3, 3 में से 1 गया 2 और ये 1, यानी 1,22,400 रुपीज उसके पास बचा है, ठीक है। इस तरह से हमने उसको कैलकुलेट कर दिया। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो यू हैव टू ट्राई दीज एग्जांपल्स अगेन एंड देन आफ्टर solve this classwork. There are 5 questions as related as your examples. You have to solve it and then match your answers which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.